What's in the mailbox? Most always, when the postman comes with letters, two or three, they are for my mother or my dad, but never one for me. मेलबॉक्स मतलब होता है जिसमें मेल्स आते हैं, मेल बॉक्स उसको कहते हैं. मेल मतलब क्या होता है, जैसे लेटर्स हो गया, चिट्ठी पत्री, वो सब होता है मेल. अब आजकल तो जो मेल होते हैं वो ईमेल के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आते हैं. ठीक है, आपके पास जीमेल अकाउंट होगा या याहू अकाउंट होगा, कोई भी अकाउंट होगा उसमें आपके पास मेल आ जाता है. बट इस तरह से भी इनको भी मेल कहते हैं. ये हार्ड कॉपी होती है, इसके अंदर ये बंद होके आते हैं, जिससे कि कोई आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रीड ना कर ले. तो जिसमें एक एक पब्लिक प्लेस पे ना ऐसे करके एक पोस्ट बॉक्स बना होता है, उसको मेल बॉक्स भी कहते हैं. इसके अंदर आपको कुछ कहीं पे भेजना है या वहाँ पे वो सब आ जाता है. लोग इसमें पोस्टमैन जो होते हैं वो लेके डालते हैं इसमें, और आप यहाँ पे डालते हैं, फिर वो पोस्टमैन उनको लेके कहीं जाते हैं जहाँ पे भी आपको सेंड करना है. फिर वहाँ पे एक पोस्ट वहाँ पे उस शहर का भी बना होता है, तो वहाँ पे ना वो लोग एक दूसरे के घर पहुँचाते हैं जहाँ पे भी जिसका एड्रेस लिखा होता है इस मेल पे. तो ये ऐसे करके उस इंसान के घर पहुँच जाता है कि जैसे मतलब आपने यहाँ पे बैठ के अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में ये डाल दिया. फिर पोस्टमैन जो होगा वो क्या करेगा, उसको लेके जाके दूसरे शहर में जहाँ पे भी वो एड्रेस होगा वहाँ पे वो देके आएंगे. तो यही होता है मेल बॉक्स. तो बोला है कि मोस्ट ऑलवेज, ज़्यादातर जब भी पोस्टमैन आते हैं तो लेटर्स लेके, दो या तीन लेटर लेके आते हैं, तो वो बेसिकली किसके लिए होता है, मेरी मदर के लिए होता है या फिर डैड के लिए होता है, बट मेरे लिए कभी भी नहीं होता. बट नेवर वन फॉर मी, मेरे लिए कभी नहीं होता. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ एक लेटर्स लिखूँगा, कुछ लेटर्स लिखूँगा. दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू. अब मैं यही करने जाऊँगा कि मैं लेटर्स लिखूँ कुछ, एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी टू मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू. और तब जब मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लेटर्स का रिप्लाई करेंगे, मुझे आंसर करेंगे, तब मेरे पास भी मेल आएगा, मतलब कि चिट्ठी आएगी. जब मैं भी रिप्लाई लिखूँगा लेटर, तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझको रिप्लाई करेंगे, तो पोस्टमैन जो होंगे तो वो मेरे लिए भी लेटर लेके आएंगे. तो इसमें बच्चा ऐसे बोलता है. तो अब इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं. तो न्यू वर्ड्स जैसे लेटर्स, लेटर्स मतलब चिट्ठियाँ, मतलब आप कह सकते हो उसके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है लेटर. ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, है ना, हमेशा मतलब एट ऑल द टाइम्स. नेवर मतलब होता है एट नो टाइम, कभी नहीं. दो, दो मतलब होता है बट, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो दो. अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है रीडिंग इज़ फन में. हु डज़ द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर. तो इस पोएम में किसके लिए लेके आता है पोस्टमैन लेटर्स, तो चाइल्ड का जो चाइल्ड के जो पेरेंट्स हैं ना, मदर फादर, उनके लिए लेके आते हैं पोस्टमैन लेटर्स. इस पोएम की बात करी है. डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, क्या कभी चाइल्ड को कोई लेटर मिलता है. तो नो, चाइल्ड नेवर गॉट अ सिंगल लेटर. चाइल्ड को कभी भी कोई लेटर नहीं मिलता है. नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू. चाइल्ड क्या डिसाइड करता है. तो चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट सम लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, कि वो अपनी फ्रेंड्स को लेटर लिखने का डिसाइड करता है. तो अब आगे टॉक टाइम है. हैव यू रिटन लेटर्स, क्या आपने कभी लेटर्स लिखे हैं. तो अगर यस लिखे हैं तो आप लिख दीजिए, इट इज़ अप टू यू. तो आप उसका आंसर बताएंगे अपने आप से. हु हैव यू रिटन टू, आपने किसको लिखे हैं. तो जैसे दादी दादा जो दूसरे शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए लिखे होंगे आपने कभी. एंड हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे, अगर आज आपसे बोला जाए कि आप आज एक लेटर लिखो, तो किसके लिए लिखेंगे. तो अपना कोई फ्रेंड जो आप मिस करते हो कि मैं उनसे बात करूँ, उस फ्रेंड से, तो आप उस फ्रेंड के लिए लेटर लिख सकते हो. तो आप लिख दीजिए अपने किसी भी फ्रेंड के लिए जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, है ना. नेक्स्ट है रीड दिस लेटर केयरफुली. देवू हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंड फादर थिंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट. देवू एक लड़का है, उसने अपने ग्रैंड फादर के लिए एक लेटर लिखा है उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए. तो ये ऊपर सबसे पहले एड्रेस लिखा है, फिर डेट लिखी है, और फिर लिखा है डियर ग्रैंड फादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज. यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे विद लव देवू. तो देवू ने देखो कितने प्यार से लिखा है कि थैंक यू ब्यूटीफुल बुक के लिए, पंचतंत्र स्टोरीज़ की जो बुक उसके दादाजी ने उसे दी थी उसके लिए थैंक यू बोला है. उसने बोला है कि मैं डेली उसमें से एक स्टोरी पढ़ता हूँ.
अब ये लेट्स राइट नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल. यू कैन यूज़ सम ऑफ द वर्ड्स. अब आप ना अपने फ्रेंड के को लेटर लिख सकते हैं और अपने स्कूल के बारे में बताते हुए लिखना है और ये वाले वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. तो जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता सकती हूँ ऐसे आपको क्या क्या वर्ड यूज़ करने हैं, जैसे क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर डियर जो भी अपने फ्रेंड का नाम है वो लिखेंगे, और फिर सबसे पहले लिखेंगे होप यू आर डूइंग वेल. तो मतलब कि आप आशा है कि आप अच्छे होंगे. एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन न्यू स्कूल. तो देखो इसमें स्कूल की बात हो रही है. आई हैव सो मच टू शेयर अबाउट माई स्कूल विद यू. इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग ऑफ वाइट कलर. माई स्कूल हैज़ 50 क्लास रूम्स एंड दे हैव ऑल हैव अ ग्रीन बोर्ड इन इट टू राइट ऑन. एंड टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो. दे लव द स्टूडेंट्स इक्वली. एंड ऐसे करके आप लिख सकते हैं लेटर्स को. ओके एंड लास्ट में लिख देंगे विद लव अपना नाम. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है. यस, नेक्स्ट है पोस्टमैन. क्या होता है, आपको मैचिंग करनी है मैच ए को बी से. तो ये वर्क है, पहले में उनको क्या कहते हैं और सेकंड कॉलम में लिखा है उनका वर्क. तो पोस्टमैन, अब पोस्टमैन क्या करता है, तो पोस्टमैन का काम होता है लेटर को डिलीवर करना. तो देखिए लिखा होगा यहाँ पे नीचे ब्रिंग्स आर लेटर. तो लास्ट में लिखा है ना ब्रिंग्स आर लेटर, तो यहाँ पे पोस्टमैन को इससे मैच करेंगे. फिर कॉबलर का, कॉबलर का क्या काम होता है, वो मैं शूज़ सही करते हैं. तो कॉबलर का काम आप लिखेंगे मेंस आर शूज़. यहाँ पे लिखा है ना मेंस आर शूज़, ये रहा मेंस आर शूज़. ओके, कॉबलर का काम होता है मैंने इनकी मोची का. लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन मतलब जो बुक्स लाइब्रेरियन क्या करते हैं, बुक्स एक साथ रखते हैं ना, उसकी देखभाल करते हैं. तो यहाँ पे आप लिखेंगे बुक्स के लिए, देखिए कहाँ पे लिखा है वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में वर्क करते हैं. ड्राइवर, ड्राइवर का क्या काम होता है, ध्यान से चलाना गाड़ी को. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल को ध्यान से चलाते हैं. और ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट का क्या काम होता है, यानी कि जो प्ले लिखता है ना उसको कहते हैं ड्रामाटिस्ट. टीचर, टीचर का काम क्या होता है, टीचर्स इन द स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ाता है. नर्स, नर्स का क्या काम होता है, लुक्स आफ्टर पेशेंट, पेशेंट की देखभाल करना. म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का काम होता है प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना. एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बना हुआ है ना, ये बना हुआ है देखो एस्ट्रोनॉट, ये तो एस्ट्रोनॉट का काम क्या होता है, उनका काम होता है ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं, स्पेस में जाते हैं. क्लाउन, क्लाउन का क्या काम होता है, मेक पीपल लाफ, लोगों को हंसाना.